हमको पढ़ना है गोली पृष्ठ से अपवर्तन, जो हमारा 12वीं में है अध्याय 2। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन। क्या पढ़ना है हमको? अवतल पृष्ठ से अपवर्तन। इसको पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने क्लास 10th में या 11th में पढ़ा है उसको बताना चाहूँगी, जिससे आपको इस टॉपिक को पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हमको चूंकि पढ़ना है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, तो पहले ये समझ ले कि अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन क्या होता है? परिभाषा इसकी ये है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं अपवर्तन, है ना? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ठीक, इस तरफ है वायु और इस तरफ है आपका कांच। इसको हम बोलेंगे विरल माध्यम और इसको हम कहेंगे सघन माध्यम। अब माध्यम क्या है? माध्यम मतलब किसी भी चीजों को, जैसे ये पुस्तक यहां पर रखी है ना, इसको मेरे को उठा करके वहां रखना है तो कौन रखेगा? मैंने उठा करके वहां रखा, तो ये किसके माध्यम से हुई? मेरे माध्यम से। हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आसपास प्रकाश है, ध्वनि है जो आपके कानों तक पहुंच रही है, ये किसके माध्यम से पहुंच रही है? हवा। यहाँ पे माध्यम क्या है? हवा। जैसे मान लीजिए प्रकाश पानी में घुस जाता है तो वहां पे माध्यम क्या हो गया? पानी। और कांच में घुस जाता है तो वहां पे माध्यम क्या हो गया? कांच। तो ये होता है माध्यम, क्योंकि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब विरल और सघन क्या है? है ना, नाम से तो आपको समझ में आ रहा, विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब घना। तो ऐसा माध्यम जिसके जो अणु हैं वो पास पास होते हैं तो उसको हम कहते हैं सघन माध्यम, या फिर दूर दूर होते तो उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। घनत्व से भी आप बोल सकते हैं, जो जितना ज्यादा घना है वो उतना ज्यादा सघन है, और जो जितना कम घना है वो विरल है। जैसे मान लीजिए हवा है और पानी है, दोनों में घना कौन सा? पानी। तो पानी क्या हो गया? सघन माध्यम। आपके पास पानी है और तेल है, दोनों में घना कौन सा? तेल। तो तेल हो गया सघन माध्यम, और विरल माध्यम क्या हो गया? पानी। है ना, समझ में आया? तो ये होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। चूंकि यहाँ पे वायु है और कांच है तो वायु हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया हमारा सघन माध्यम। अब ये पृष्ठ है ना, यहाँ पे कांच का एक गुटका है या जो भी है समझ जाइए, तो ये एक पृष्ठ है, इसके इस तरफ है वायु और इस तरफ है क्या है? कांच। तो इस पृष्ठ को हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे हम? अपवर्तक पृष्ठ। अब एक प्रकाश की किरण आई, ठीक, इस बिंदु पर हमने एक लंबवत रेखा खींची, तो ये प्रकाश की किरण आई, वायु से किस में प्रवेश कर रही है? कांच में। उसको जाना कैसा था? सीधा, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित। यही घटना कहलाती है अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश किरण जाती है अपने मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाती, विचलित हो जाती है। तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ पे हो क्या रहा है, इस घटना को क्या कह रहे हैं? अपवर्तन। तो अंदर में जो किरण हुई उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ये बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु।
और इसको हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब मतलब लंबवत रेखा, लंब मतलब 90 डिग्री का जो कोण बने, तो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब आपतित किरण यानी कि जो आने वाली किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम आई से दर्शाते हैं और इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और जो जाने अपवर्तित किरण ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। तो ये क्या हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन बिंदु और ये अभिलंब। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। यदि अभी वायु, वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है प्रकाश की किरण। मान लीजिए कांच से किस में जाएगी, वायु में। ये प्रकाश किरण आई, अब ये वाला माध्यम क्या हो गया, सघन माध्यम, नीचे वाला क्या हो गया, विरल। तो इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन वो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। दो विचलन अपने मार्ग से विचलित दोनों केस में हो रही, इसमें भी हो रही है इसमें भी हो रही, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर और झुक जाती है और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से अपवर्तन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम हैं उसके बारे में बता दूं आपको। पहला नियम अपवर्तन का क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम यू से दर्शाते हैं, यह आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण मतलब आई, बटे अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। ये है अपवर्तन का द्वितीय नियम, म्यूजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये नियम जो है स्नेल ने दिया था इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये सब चीजें इसलिए बता रही हूं मैं क्योंकि जो हमको जो पढ़ना है उसमें इन सब चीजों का प्रयोग होगा, इसलिए आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हो गए अपवर्तन के नियम, थोड़ा सा हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा। अब गोली पृष्ठ क्या होता है, गोली पृष्ठ उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं मैं। मान लीजिए गोला है, इसको हमने दो भागों में काट दिया। ठीक, दो तरीके से पृष्ठ बने, एक तो ये दूसरा ये, तो ये आपके कहलाते हैं गोलीय पृष्ठ। जो दबा हुआ है इसको हम कहते हैं अवतल पृष्ठ और जो उभरा हुआ है इसको हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। दोनों, उभरा हुआ है तो उत्तल, दबा हुआ है तो अवतल। ठीक है, अब ये जो दोनों पृष्ठ है किसी गोले से बने हैं, ये गोला था, गोली है, तो गोले का एक केंद्र होता है, तो इस पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र और प्रदर्शित हम करते हैं सी से, वक्रता केंद्र। ये देखिए इसका केंद्र इस तरह पाएगा, अवतल पृष्ठ का इस तरह पाया, इसका इस तरह पाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका
वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? गोली पृष्ठ जिस गोले से बना है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब ए से लेकर के बी तक के इसकी इस पृष्ठ की लंबाई है, तो कुल लंबाई को, पृष्ठ के कुल लंबाई को हम कहते हैं द्वारक। एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जो टोटल लंबाई है इसको हम कहते हैं द्वारक, और इस पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाकर यदि हम रेखा खींचे तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब ये क्या है? इस पृष्ठ का मध्य बिंदु है ध्रुव। इसकी स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे संख्या रेखा में जीरो की। क्या होती है संख्या रेखा? बीच में शून्य होगा, इधर धनात्मक संख्याएं होती है और इधर क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है, है ना? तो इस शून्य की जो स्थिति होती है संख्या रेखा में, वही स्थिति होती है मुख्य अक्ष में ध्रुव की। इसके दाई ओर जो है धनात्मक संख्याएं होती है और बाई ओर ऋणात्मक, मतलब दाई ओर हम जो भी दूरी लेंगे हमेशा धनात्मक लेंगे और बाई ओर जो भी दूरी लेंगे हमेशा ऋणात्मक लेंगे, चाहे वो अवतल पृष्ठ हो या फिर उत्तल पृष्ठ। ध्रुव के दाई ओर हमेशा धनात्मक, ध्रुव के बाई ओर हमेशा ऋणात्मक। और सारी दूरियां क्या करते हैं? हम शून्य से नापते हैं, चाहे ऋणात्मक तरफ नापना हो या धनात्मक। तो इस पृष्ठ में भी सारी दूरियां जो है ध्रुव से नापी जाती है। ध्रुव से इधर भी नापना है तो ध्रुव से नापेंगे, इस साइड भी नापना है तो हम ध्रुव से नापेंगे। अब यदि यहां से मैंने एक रेखा खींचा सी एम, ये क्या है? एक गोली पृष्ठ है तो ये इसका केंद्र है, है ना? ये केंद्र है और ये पृष्ठ है। यहां से यहां तक जो रेखा होगी वो क्या होगी? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंबवत होती है, मतलब जो सी एम है वो इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा? अभिलंब का, है ना? आप लोग पहले कुछ प्रमेय के माध्यम से पढ़ चुके हैं, उसको प्रूफ भी कर चुके हैं गणित में कि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंबवत होती है। क्योंकि ये सीएम यहाँ पर लंबवत है तो सीएम यहाँ पे किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। ठीक, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? थोड़ा सा पृष्ठ के बारे में पढ़ा, गोली पृष्ठ क्या होता है, कैसे होता है। कुछ चिन्ह परिपाटी आपको मैं बता दूं, चिन्ह परिपाटी, इसमें जो चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। पहला नियम ये है कि किरण हमेशा बाएं से दाएं आपतित होगी, ऐसे बाएं से दाएं, इधर से ऐसा उल्टा हम किरण नहीं आपतित कर सकते, ये नियम है। हमेशा कैसी आपतित होगी? बाएं से दाएं। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी, है ना? आप ये ध्रुव वाला चीज को ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपतित किरण की दिशा मतलब बाएं से दाएं, इधर किसी दूरी को नापना है हमको तो वो कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में नापी गई दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र से भी, इससे ध्रुव से भी याद रख सकते हैं या ये वाले चीज से भी याद रख सकते हैं कि दूरी, किस दूरी को हमको धनात्मक लेना है, किस दूरी को ऋणात्मक लेना है। तीसरी चीज, जैसे हर चीज का सिंबल है कि इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक वैसे ही वस्तु की दूरी को हमेशा हम यू से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा हम V से प्रदर्शित करते हैं। और चौथी चीज, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी
ये केंद्र है, ये परिधि है, तो ये दूरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से। और अगर कोई चित्र मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो वो धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक, बाई ओर बन रहा है तो ऋणात्मक, दाई ओर बन रहा है तो धनात्मक। ये सारे चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन की जगह ऋण आपने लिया तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाता है। जैसे गणित बनाते हैं ना आप लोग, धन की जगह ऋण ले ले, ऋण की जगह धन ले, तो क्या हो जाएगा, पूरा सवाल गलत। तो इन चिन्हों का जब भी हम करेंगे ध्यान रखना हमको जरूरी है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, चिन्ह परिपाटी के बारे में। अब कुछ प्रमेय जिसका इसमें उपयोग होने वाला है, जो हम पढ़ने वाले हैं अवतल पृष्ठ से अपवर्तन में, उसके बारे में बता दूं मैं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। कभी भी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, अगर इसको विच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख यानी आमने सामने। दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, दोनों क्या है, आमने सामने है, तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी। और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, ये भी आमने सामने है, तो ये वाले कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक और नियम जो इसमें लगने वाला है उसके बारे में भी बता दूं मैं आपको। ये है हमारा त्रिभुज, है ना, आप इस आकृति से परिचित हैं। कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, तीन। कोण भी कितने होते हैं, तीन। और तीनों कोण चूंकि त्रिभुज के अंदर है तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतः कोण। मान लीजिए त्रिभुज की किसी भी भुजा को हमने बढ़ाया, यहां पर भी एक कोण बन रहा है, लेकिन ये कोण कैसा है, त्रिभुज के बाहर है, तो यहाँ पे कोण चार क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। और आपने ये प्रमेय पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण यानी कि चार का मान क्या होगा, सुदूर अंतः कोण। तीन अंतः कोण बन रहे इस त्रिभुज में, एक दो और तीन, तीन बन रहे हैं। ये दो कैसा है, पास में है, दूर में कौन सा है, तीन और एक। तो दूर के अंतः कोण कौन कौन से हो गए, एक और तीन, तो इस बहिष्कोण का मान तीन और एक के योग के बराबर होगा, यानी कि कोण एक धन कोण तीन। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन। ये हो गया P, मान लीजिए ये है C, M, A, B, ये है अवतल पृष्ठ, इसके बाई ओर है वायु और इसके दाई ओर है
म्यू अपवर्तनांक का माध्यम ठीक। अब इसमें ये मुख्य अक्ष है हमारा ओ सी पी, ये क्या है मुख्य अक्ष, इसके सामने एक बिंदु वस्तु रखी है ओ। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखते हैं ठीक है। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो किरण होनी चाहिए, पहली किरण गई कहां गई, वायु से किस में गई, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तो क्या हो जाएगी थोड़ा सा झुक जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में एक वस्तु रखी हुई है बिंदु आकार की, तो उसका बनना है प्रतिबिंब। ऐसे तो प्रकाश किरण में असंख्य किरणें होती है, सारी किरणों को यहाँ पर दर्शा सकते हैं क्या, नहीं दर्शा सकते, तो प्रतिबिंब बनने के लिए हम दो ही किरण लेते हैं, और परावर्तन हो या अपवर्तन हो उसके पश्चात जब किरणें मिलती है, जहां पर मिलती है वहीं पर बनता है प्रतिबिंब ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक किरण जो है वो जा रही है, इधर वायु है, इधर है म्यू अपवर्तनांक का माध्यम, अपवर्तन का नियम लगेगा क्या होगा, अभिलंब की ओर, विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये अभिलंब है आपका सी एम एन, अभिलंब है, इस किरण को सीधे जाना था लेकिन क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई ठीक। दूसरी प्रकाश किरण सीधे गई ध्रुव से और वो बिना विचलित के निकल गई। ये भी एक नियम है अपवर्तन का कि जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वो विचलित नहीं होती, सीधे निकल जाती बिना विचलन के। तो ये पहली किरण को यदि हम पीछे बढ़ाए, इसको अगर डॉट लाइन से हम पीछे बढ़ाए, और ये वाली दूसरी किरण, दोनों किरण कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। इसको समझना है आपको, जहां पर किरणें चाहे परावर्तन पड़े या अपवर्तन पड़े, मिलती जहां पर है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, हम इमेजिन करके भी चलते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये किरण तो इधर चले गई है ना, तो इसको पीछे बढ़ाने पर वो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे दूसरी पहली किरण ये वाली गई तो ये पहली किरण हो गई, दूसरी यहाँ, दोनों यहाँ पर मिली, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई। तो वस्तु हमारी ओ है यानी कि ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बन रहा है आई ठीक है। अब क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, तो इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा, आई, आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण, अभी मैंने बताया ये है अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इससे जो कोण बनाई ये क्या कहलाएगा आपका, अपवर्तन कोण आर ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया है और ये एक दूसरी किरण है, यहां पर देखिए लगभग ऐसा बन रहा है, तो ये क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ये है एक किरण, ये दूसरी किरण, तो कैसा बन रहा है यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, मैंने अभी आपको बताया। तो चूंकि ये वाली किरण R है तो ये अंदर वाली किरण भी क्या होगी, R होगी। समझ में आई ये चीज, पहला तो ये किरण ये अभिलंब, तो ये वाला कितना हो गया I, ये वाला आर हो गया, और चूंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है, ये वाला आर है तो ये वाला भी क्या हो गया, आर हो गया ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा है थीटा, इस कोण को हम मान लेते हैं अल्फा, और इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा ठीक। इतनी चीजें सबको समझ में आ रही है, फिर से शॉर्ट में बता दूं, ये है हमारा अवतल पृष्ठ जिसका ध्रुव P है, केंद्र है C, इसके सामने एक बिंदुकार की वस्तु रखी O, जो अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब बन रहा है I, ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण, चूंकि शीर्षाभिमुख है इसलिए ये वाला भी हो गया R ठीक। अब अभी मैंने आपको बताया अपवर्तन का नियम,
उसमें मैंने बताया म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू का मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि थीटा का मान छोटा हो, कोण का मान क्या हो, बहुत कम, कम, तो हम लिखेंगे म्यू बराबर साइन आई की जगह आई लिख देंगे और आर की जगह आर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइन जीरो बराबर होता है जीरो। ये वैल्यू आपको मालूम है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। यहाँ पे जीरो क्या है? कोण है, और ये उसकी वैल्यू है। मतलब कोण का मान बहुत कम हो तो उसका साइन क्या हो जाता है? कोण के मान के बराबर हो जाता है ना। यहाँ कोण है जीरो और यहाँ पे वैल्यू है जीरो, तो बहुत छोटा अगर कोण का मान हो तो हम साइन जीरो को जिस प्रकार जीरो लिख सकते हैं, ठीक वैसे ही हम साइन आई को आई लिख सकते हैं तथा साइन आर को क्या लिख सकते हैं? आर। ठीक है, इसको त्रियक गुणा यदि हम कर दे तो आई बराबर क्या आ गया? म्यू आर। इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए, त्रिभुज ओ एम सी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, त्रिभुज ओ एम सी एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में बहिष्कोण कितना है? थीटा, बाहर में बन रहा है। और इसके अंतःकोण दूर के कितने हैं? एक तो बीटा है, दूसरा क्या है? आई है। तो अभी अभी मैंने जो आपको प्रमेय बताया कि बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो थीटा के लिए सुदूर अंतःकोण कौन कौन से हो गए? बीटा और आई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आई। या इसको पक्षांतर कर दे तो हमारे पास आई की वैल्यू निकलेगी थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर टू, हमने किसकी वैल्यू निकाली? आई की। ठीक, अब एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज आई सी एम। ध्यान दीजिएगा, आई एम सी एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें बहिष्कोण क्या है? थीटा। और इसके सुदूर अंतःकोण क्या है? अल्फा और आर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आर। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, थीटा बराबर अल्फा प्लस आर, या आर बराबर थीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर थ्री, हमने किसकी वैल्यू निकाली? आई की थीटा माइनस बीटा और आर की थीटा माइनस अल्फा। इन दोनों मान को हम रख देंगे समीकरण एक में। समीकरण एक में मान रखने पर, मान रख दीजिए I बराबर क्या है हमारा? म्यू आर। I का मान कितना निकला हमारा? थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू। आर की वैल्यू कितनी निकली? थीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर फोर, अब एक और सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इस चित्र में देखिए, थीटा यहां पे कोण बन रहा है, इसके लिए चाप कितना है? पी एम, ये चाप है पी एम, और त्रिज्या कितनी है? पी सी। तो हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ठीक,
दूसरा कोण हमको क्या निकालना है, बीटा। बीटा के लिए देखिए, बीटा कहां पे बन रहा है, यहां पर। इसके लिए चाप कितना है, पीएम, और त्रिज्या कितनी है, पीओ। तीसरा कोण हमारा बन रहा है अल्फा। अल्फा के लिए देखिए, पीएम बटे पीआई। ये सारी वैल्यूज को इसमें हम रख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी, पीएम अपॉन पीसी, माइनस बीटा की वैल्यू म्यू, थीटा की वैल्यू पीएम अपॉन पीसी, माइनस अल्फा की वैल्यू पीआई। ठीक है, अब इन सबसे यदि पीएम को बाहर निकाल दे, अंदर में क्या बचेगा, 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीओ इज इक्वल टू म्यू पीएम 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। पीएम पीएम कैंसिल। अब हमको सबकी वैल्यू रखनी है, पीसी की, पीओ की और पीआई की। पीसी, पीसी क्या है, देखिए ध्रुव से केंद्र की दूरी, क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या, और किस ओर है, बाई ओर, तो कैसी होगी, ऋणात्मक। तो पीसी बराबर क्या लिखेंगे हम, माइनस आर। और क्या रखना है हमको, पीओ ध्रुव से वस्तु की दूरी, किससे प्रदर्शित करते हैं, मैं बता चुकी हूं, यू से, और अपोजिट साइड में है तो क्या लिखेंगे, माइनस यू। तीसरी पी आई, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, अपोजिट साइड में है तो क्या लेंगे, माइनस, और किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी। इन सारे मानों को हम समीकरण में यदि रख दे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन पीओ की जगह क्या है, यू, माइनस यू इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन माइनस वी। सबकी वैल्यू हमने रख दी, माइनस 1 अपॉन आर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन यू बराबर म्यू का गुणा कर देते हैं, म्यू अपॉन आर माइनस है चूंकि, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस म्यू अपॉन वी। ठीक, अब म्यू वालों को एक साइड ले आते हैं और बिना म्यू वालों को दूसरे साइड, यानी कि क्या करेंगे हम, पक्षांतर। चलिए इधर ले जाते हैं, इधर कितना है, माइनस म्यू अपॉन आर, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। जानते हैं पक्षांतर का नियम आप, जब भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है राशि, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो माइनस इधर आके क्या हो गया, म्यू अपॉन आर प्लस हो गया, पहले से ही इसमें क्या है, माइनस वन अपॉन आर, और यहाँ पे क्या है, म्यू अपॉन वी पहले से है। यदि इसको हम उधर ले जाएंगे वन अपॉन यू को, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वन अपॉन यू। म्यू माइनस वन, दोनों का हर आर है तो एक साथ लिख दिया हमने, बराबर म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यही फॉर्मूला हमको निकालना था,
इसको हम कहते हैं अपवर्तन सूत्र। जहां क्या निकला हमारा म्यू माइनस वन बटे आर बराबर म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। जहां क्या क्या है, जब भी आप सूत्र निकाले लास्ट में सारी राशियों को डिटेल कर दीजिए कि क्या क्या है। म्यू क्या है, वहां पे अपवर्तनांक है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। फिर वी क्या है, प्रतिबिंब। की दूरी। और यू क्या है, यहां पे वस्तु की दूरी। तो ये हमने आज क्या देखा, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन और जो सूत्र निकाला इसको हम कहते हैं अपवर्तन सूत्र। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने जाना अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, दो उसके नियम हमने देखे, और क्या देखा हमने, चिन्ह परिपाटी देखा कि जब भी हम बनाएंगे तो किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, किसको किससे प्रदर्शित करना है। और मैंने कुछ प्रमेय आपको बताया जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ताकि वो प्रमेय पढ़ने से उसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो आपको क्लियर हो गया कि क्यों हुआ, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, ये है अपवर्तन का सूत्र। आज हमारी कक्षा यही समाप्त होती है, धन्यवाद।